लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपके साथ कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेटर कर सके, इतनी लंबी लंबी फॉर्मूलेज हम कैसे लगा सके, हमने आपको लास्ट प्रियोज में हमने सिखाया था। अभी हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। जी हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर आपके पास दिख रहा है, इसी तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब इसकी यूज हम करें तो किस तरह से हम फंक्शंस लगा सकते हैं, चलिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेल्स का फिगर है और हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मुझे पता करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन 60 है। तो जनरली इसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, बट इफ का फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, हम इसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली लिख देंगे ग्रेटर देन 50। हमने ग्रेटर देन 50 लिखा, एंटर प्रेस करें तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। तो कहने मतलब है कि आप जो है अपने गूगल सीट में ये जो इस तरह की ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब ये सारे ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, बट रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इफ का फॉर्मूला होता है। तो इफ क्या कहता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर ट्रू हुआ तो क्या शो करे, जैसे हमने लिख दिया ओके, ओके टेक्स्ट इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और यहाँ पे हमने पेंडिंग कर दिया, पेंडिंग। तो हमने लिखा B2 ओके है, B2 अगर ट्रू है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। लेकिन जो हम लोग जो है इसको इस तरह से ना लिख के हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि इफ इफ लाइक एन ओपन, हमने इसको यहां पे लिया कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। एंटर प्रेस के रिजल्ट आए। अब देखिए यहां पे ऊपर वाले इफ फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि हमने जस्ट लॉजिकल ऑपरेटर दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स लॉजिकल लिया हुआ है, और यहां पे हमने डायरेक्ट दिला दिया। तो जनरली हम लिखते हैं, हम फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगाते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी था कि जो हमने A3 इज ग्रेटर देन 50 किया, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, इंडिविजुअल है, हम इफ में इसमें इसको कंबाइन करते हैं। इफ में इसमें क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, इफ के अंदर इसको कंबाइन किया जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअली है। अब चलिए इफ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं आपके सामने। अब यहां पे हम एक सीट ऐड करते हैं, यहां पे कुछ नाम देते हैं, और एक काम करते हैं, नाम लिखने में टाइम लगेगा तो एक्सेल में ऑलरेडी नाम टाइप होगा, उसी नाम को हम एक बार ले लेते हैं। और इसी नाम को हम कई बार रिपीट कर लेते हैं। अब मुझे इसमें कौन नाम डुप्लीकेट है, कौन नाम यूनिक है पता करना है, तो कुछ मत कीजिए, इसको शॉर्ट करना होता है। जी हाँ, यहाँ डेटा में शॉर्ट शीट A to Z हमने क्लिक कर दिया, नेम नीचे आ गया, मिनट गलत कर दिया हमने, यहाँ पे हमें डेटा में शॉर्ट शॉर्ट रेंज, एडवांस रेंज और शॉर्टिंग ऑप्शन में डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक करेंगे, देन शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करने का फायदा ये हुआ कि जितने भी नाम दिख रहा है आपका, ये नाम आपका इकट्ठा आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक को यू करना है, मतलब कि यूनिक, बाकी सबको यहाँ डी करना है, यू फिर डी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए यहां पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला इफ का, इफ
हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू है, तो यहां पे यू शो करे, अदरवाइज डी शो करे, और एंटर प्रेस कर देता हूं और नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। तब देख यहां पे हमने शायद गलती कर दिया, हमने उल्टा लिख दिया, यहां पे डी होगा और यहां पे यू होगा। अब नीचे की तरफ ड्रैग कर, आप देख सकते हैं कि यहां अशरफ और नेम इक्वल नहीं है, अशरफी और नेम इक्वल नहीं है, बट यहां पे देखिए अशरफी शाह और ऊपर भी अशरफी शाह है, दोनों इक्वल है, इसलिए यहां पे डी आ गया। और ऐसे डी चला यहां पे, इस फॉर्मूले से बता चुका। अब मुझे इसी में नंबर चाहिए कि मुझे डी नहीं, मुझे यहाँ पे इसका 1 2 3 इस तरह से नंबर चाहिए, फिर नाम चेंज हुआ तो फिर 1 से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस केस में भी हम इफ का ही यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट होगा कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू में जो हमारा ऊपर की वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर दो, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करो। तो सिंपल सा कंसेप्ट हमने लगाया कि अगर ए टू इक्वल टू है ए वन से, सी वन प्लस 1, मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है उस वहां पे प्लस 1 कर दें, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करें, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए आपका 1 1 1 1 1 इस तरह से बन के आ गया, और जैसे ही चेंज हो रहा है यहाँ पे नंबर भी चेंज हो रहा है। इस तरह से नंबर लेते हैं। अगर आप अनदर एग्जांपल देखिए 1 का, तो जैसे कि मैं यहां पे सीरियल नंबर लिखता हूं, नेम लिखता हूं, और बाकी एड्रेस वेड्रेस भी होता है। मैं चाहता हूं कि मैं 1 लिखा और यहाँ पे नाम लिख दिया पूजा। अब जैसे मैं वहां यहाँ पे मोहन लिखू, एंटर प्रेस करूं, ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। इसके लिए इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ हम बोलेंगे सामने वाली वैल्यू जैसे कि एफ 3 जो है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 कर। हमने बोला कि F3 अगर ग्रेटर देन 0, अब 0 क्यों बोला, क्योंकि जो ब्लैंक सेल है ना उसको गूगल सीट 0 समझता है, फिर इसको हम एंटर प्रेस करते हैं। तो इक्वल टू 0 का होना चाहिए इस पे, नंबर आ गया। कंडीशन का उलट पलट होता है, कंडीशन थोड़ा भी उल्टा उल्टा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हमने बोला लगाया कि F3 इक्वल टू 0 है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज E2 में प्लस 1 कर दो। अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं तो फिर आपको E2 प्लस 1 को पहले शिफ्ट करना होगा और ब्लैंक को बाद में शिफ्ट करना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे नाम डालता हूं कविता, इंदर यहां पे आते जा रहा है, उदय, मोहन, तो आप यहां देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे मैं एक एक छोड़ता हूं, मैं यहां पे आता हूं, यहां उदय करता हूं, तो यहां 1 से स्टार्ट हो गया, बट यहां 1 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यहां पे 6 से स्टार्ट होना चाहिए ना, एक्सेल में यहां पे एरर आता है। तो क्या करें इसके लिए, जो 1 से स्टार्ट होना, तो हमें अपने फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना होगा। E2 प्लस 1 की जगह
हमें मैक्स का फॉर्मूला लगाना होगा, मैक्स, और मैक्स में हम ले लेंगे ई टू से ई टू। अब पहले वाले ई टू को हम फ्रीज कर देते हैं डॉलर साइन से, दूसरे वाले ई टू को नहीं करेंगे, दोनों हो गया, एफ फोर से प्रेस करने पे दोनों हो जाता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा। जब नीचे ड्रैग करेंगे तो ई जो ए टू है, पहला ए टू फिक्स रहेगा, पर दूसरा ए टू ई थ्री ए फोर ई फाइव फाइव हो जाएगा, तो जहां फॉर्मूला लगेगा वो अपने से ऊपर वाले के हर नंबर का मैक्स निकाल कर रखेगा और फिर उसमें प्लस वन कर देगा, तो उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि बीच में ब्लैंक हो गया तो सिक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा। तीसरा सिक्वेंस आप बना सकते हैं मैक्स फॉर्मूले के इस्तेमाल से। अगर सीक्वेंस की बात आई है तो एक काम और है कि मुझे यहाँ सीरियल नंबर जनरेट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कितना सीरियल हो, मैं वन बोला, मैं यहाँ पर टेन बोलता हूं, तो यहाँ पे सीरियल नंबर टेन ही बनने चाहिए, ट्वेंटी तो ट्वेंटी ही बनने चाहिए। तो यहाँ भी सेम इफ का फॉर्मा लगेगा कि इफ हम ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करते हैं, अगर ए वैल्यू ग्रेटर देन टेन है तो यहां पे ब्लैंक कर दो, अदरवाइज जो वैल्यू चल रही है उसमें प्लस वन कर दो, एंट्री प्रेस कर और यहां नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। बट यहां ध्यान रखिएगा कि हमें फ्रीज करना होगा किसको, के थ्री को, तो के थ्री को हमने फ्रीज कर दिया एफ फोर प्रेस करके और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वन क्यों आया, ये वन क्यों आया, तो बेसिकली यहाँ ब्लैंक था इसलिए ऐसा हुआ, एक सब यहाँ पे एरर आ जाता है, बट यहाँ पे एरर तो आया नहीं, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, एक और इफ कंडीशन यूज करना होगा। इफ ऊपर वाली वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक तो ऑल्सो ब्लैंक, और फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया, सॉरी यहां बैठ के ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, यहां पे कॉमा होगा। अब नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग करते, ब्लैंक हो गया सारा। अब मैं यहाँ पे 15 देता हूं तो देखिए 15 तक का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूं तो 20 तक का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, 5 करता हूं तो 5 तक का हो रहा है। अब चाहते कि मिनिमम, मतलब कि मुझे स्टार्टिंग भी चाहिए कि 5 से 10 चले, मैं चाहता हूं कि 5 टू 10, तो जो मैनुअली स्टार्टिंग में जो हमने 1 लिखा हुआ है इसको हम 5 को सिलेक्ट करके लिंक कर देंगे, आपके सामने हो गया। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो इफ की ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियोज में हम बात करेंगे आपके साथ इफ के और एग्जांपल के बारे में। थैंक यू।